हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टिफाइड एग्रीकल्चर। आज हम प्लांट पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट पिगमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कुछ उनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो आइए देखते हैं प्लांट पिगमेंट क्या होते हैं। प्लांट पिगमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक सेशन में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्लांट पिगमेंट्स क्या होते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनेशन, प्लांट पिगमेंट की डिफिनेशन क्या है। दीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स इन प्लांट। मीन्स जो प्लांट पिगमेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, सच एज रेड, येल्लो, ब्लू, ऑरेंज एटसेट्रा। आइए उनके फंक्शंस देखते हैं। प्लांट पिगमेंट के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, एक्ट एज अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैरियर। मीन्स प्लांट पिगमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कैरियर का काम करते हैं। ये प्लांट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इम्पार्ट्स कलर टू प्लांट। जो प्लांट पिगमेंट हैं वो प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं। प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम यूवी रेज और प्लांट सेल को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं ताकि सेल डैमेज ना हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, यूवी रेस सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अट्रैक्ट इंसेक्ट ड्यू टू देयर ब्राइट कलर। अपने ब्राइट कलर की वजह से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जिससे पॉलिनेशन में भी मदद होती है। सम पिगमेंट्स आर टॉक्सिक सो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमी एनिमल। कुछ प्लांट पिगमेंट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, देखिए जहरीले होते हैं जो अपने आप को एनिमी एनिमल से बचाते हैं। एग्जांपल इसका है फेवनाइट्स। फेवनाइट्स एक टॉक्सिक प्लांट पिगमेंट है। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोफिल, बी कैरेटिनॉइड्स, सी कैरोटीन्स, डी जेंथोफिल और कैरेटिनॉल, ई एंथोसाइनिन और पेरिलियम पिगमेंट। आइए सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोफिल। नंबर 1, अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ये एक हरा पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों को ग्रीन कलर या फ्रूट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं बगल में लीफ में ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से है। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। पाया कहाँ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, सेल में। नेक्स्ट पॉइंट है, अकर एज क्लोरोफिल ए बी सी एंड डी। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी के फॉर्म में प्लांट में पाया जाता है। बोथ ए बी आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे ये दोस्तों इनसॉल्यूबल लिखा हुआ है, बीच में स्पेस रह गया है। जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, इथेनॉल या अल्कोहल कह सकते हैं, सब में सॉल्वेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूबल होते हैं। मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। नन अदर मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल। द मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना पकाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेटिनॉइड्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड रेड, येल्लो, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड में रेड, येल्लो, ऑरेंज और ब्राउन कलर के पिगमेंट आते हैं। फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एज क्लोरोफिल, इट इज ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। ए फाइटोकैरेटिनॉइड्स, बी ज़ूकैरेटिनॉइड्स। दोस्तों यहाँ पे फाइटो PHYTO होना चाहिए, गलती से R लिख गया है। फाइटोकैरेटिनॉइड्स जो होते हैं प्लांट में पाए जाते हैं और जो ज़ूकैरेटिनॉइड्स होते हैं
वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कैरोटीन, फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम कैरेट इन ईयर 1831। सबसे पहले इसको कैरेट में से निकाला गया था ईयर 1831 में। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में कैरेट से निकाला था। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, कैरोटीन तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन वॉयलेट एंड क्रिस्टलाइन, वॉयलेट कलर के होते हैं और क्रिस्टलाइन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल होते हैं। बीटा कैरोटीन भी रेड कलर के होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। गामा कैरोटीन डार्क रेड होते हैं एंड क्रिस्टलाइन होते हैं। सब में याद रखना सभी क्रिस्टलाइन होते हैं, बस कलर डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैरोटीन कंटेंस अबाउट 15% अल्फा, 85% बीटा एंड 0.1% गामा। कैरेट में अबाउट 15% अल्फा होती है, 85% बीटा होते हैं और 0.1% गामा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, मीन जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर कहने का मतलब है कि जो हम लोग के शरीर में विटामिन ए बनती है वो बीटा कैरोटीन से ही बनती है। और हमारे शरीर में लीवर एक स्थान है जहाँ पर बीटा कैरोटीन विटामिन ए में चेंज होती है। नेक्स्ट है जैंथोफिल और कैरेटिनॉल्स, आइए इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन, मतलब जैंथोफिल एक प्रकार का कैरोटीन ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो जैंथोफिल होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और कैरोटीन डीऑक्सीजनेटेड। कहने का मतलब कि जैंथोफिल में ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंस होते हैं लेकिन कैरोटीन में नहीं। दीज आर येल्लो और ब्राउन पिगमेंट, ये भी ब्राउन और येल्लो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ऑल जैंथोफिल आर सॉल्यूबल इन एल्कोहल बट इन सॉल्यूबल इन पेट्रोलियम, जितने भी जैंथोफिल होते हैं ये सभी जो नीचे छह दिए गए हैं सभी सॉल्यूबल होते हैं अल्कोहल में लेकिन इनसॉल्यूबल यानी घुलनशील नहीं होते हैं पेट्रोलियम ईथर में। अब मेन जैंथोफिल देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैंथोफिल छह प्रकार के दिए गए हैं, क्रिप्टोजैंथिन, जियाजैंथिन, ल्यूटिन, लाइकोपीन, लाइकोफिल एंड फूकोजैंथिन। सबसे पहले देखते हैं क्रिप्टोजैंथिन। क्रिप्टोजैंथिन इम्पार्ट ऑरेंज कलर, ऑरेंज में जो ऑरेंज कलर आता है वो क्रिप्टोजैंथिन के कारण ही आता है। क्रिप्टोजैंथिन ऑल्सो प्रोवाइड कलर्स टू लीव्स। नेक्स्ट है जियाजैंथिन, इम्पार्ट्स येलो कलर इन सीड ऑफ मेज, मक्के में जो येलो कलर आता है दाने में वो जियाजैंथिन के कारण आता है। थर्ड ल्यूटिन, अ मेन जैंथोफिल फाउंड इन ग्रीन लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट। ल्यूटिन इन छह में से जो ल्यूटिन है वो सिर्फ मेन जैंथोफिल है जो कि ग्रीन लीव्स में और हायर प्लांट्स में पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। फोर्थ नंबर लाइकोपीन, इम्पार्ट्स पिगमेंट टू टोमेटोज, टमाटर में जो लाल कलर होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है लाइकोफिल, इम्पार्ट्स कलर टू बेरीज, बेरीज में जो कलर होता है वो लाइकोफिल के कारण होता है। लास्ट है फूकोजैंथिन, फाउंड इन ब्राउन एल्गी एंड डाई एटम, ब्राउन एल्गी और डाई एटम में जो कलर होता है वो फूकोजैंथिन के कारण होता है। यहाँ पर एक वर्ड दिया है डाई एटम, डाई एटम क्या होता है, ऐसे एल्गी जो कि सिंगल सेल होते हैं वो डाई एटम कहलाते हैं। एल्गी विच आर सिंगल सेल आर कॉल्ड एज डाई एटम। लास्ट है एंथोसाइनिन और परिलियम, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, एंथोसाइनिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, फाउंड इन सेल सैप ऑफ प्लांट और ये सेल सैप में पाए जाते हैं। सेल सैप क्या होता है,
ये एक प्रकार का लिक्विड होता है प्लांट वैक्यूल में, विच सर्व्स एज स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू नॉन वुडी प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डेवलप रेड ब्लू एंड वॉयलेट कलर इन फ्लावर्स फ्रूट्स बेरीज एंड वेजिटेबल। एंथोसाइनिन के कारण रेड ब्लू वॉयलेट कलर फ्लावर फ्रूट्स बेरीज और वेजिटेबल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे डेवलप गुड टेस्ट एंड ऑर्डर इन वेजिटेबल। वेजिटेबल में जो सुगंध आती है, टेस्ट आता है, वो एंथोसाइनिन के कारण आता है। हेल्प इन डिटेक्टिंग द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स इन प्लांट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंथोसाइनिन की मदद से डिफिशियंसी सिम्टम्स भी प्लांट में पता चल जाते हैं मिनरल्स की। एंथोसाइनिन डेवलप ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर। एंथोसाइनिन, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि एंथोसाइनिन के कारण जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो पॉलिनेशन अच्छा होता है। एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड ऑक्सीजन कैरियर। जो एंथोसाइनिन है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है प्लांट्स में। फिगर दिया हुआ है, फिगर में आइए डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स देखते हैं। ये ग्रीन लीव्स है, ये क्लोरोफिल की वजह से है। येलो लीव्स जेंथोफिल, यहाँ पे कैरेटिनॉइड्स के कारण है, और यहाँ पर एंथोसाइनिन के कारण है। आइए नीचे ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ समझते हैं। इधर वाई एक्सिस में क्लोरोफिल दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में सीजन दिया हुआ है। ये समझाया गया है कि जैसे क्लोरोफिल, जैसे जैसे सीजन आगे जाता है, मतलब जैसे जैसे समर से विंटर आता है, वैसे वैसे क्लोरोफिल डिक्रीज होती है। समर है यहाँ पे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल है। समर के बाद क्लोरोफिल कम हो जाएगी, और विंटर आएगा तो क्लोरोफिल एकदम कम हो जाएगी, और जैसे फिर ठंडी शुरू होगी, ठंडी या ख़त्म होगी, वैसे वैसे क्लोरोफिल इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।